जिसमें बहुत आराम से ये सब डिसीजन हो जाते हैं सब जगह पे, हर स्टेट में, यहां भी हो जाएगा समय आने पे, इंतजार कीजिए उसका। हम बहुत ही लोगों की राय मशवरे से काम करने वाली पार्टी है और इनकी तरह नहीं है कि एक सीएम निकलेगा तो उसके पीछे चार नेता जूता लेकर तैयार खड़े रहते हैं कि पीछे से मारे कि आगे से मारे। आम आदमी पार्टी में लोगों की राय से, नेताओं की राय से, कार्यकर्ताओं की राय से एकमुश्त फैसला होता है और उसके बाद हम बहुत डिसिप्लिन तरीके से काम करते हैं। आप करवा लो ना कांग्रेस पार्टी में 2200 लोगों का संगठन अनाउंस, अगर यही बाहर सड़क पे जूते चलते नहीं दिखे आपको अगले दिन तो देख लीजिएगा कपड़े फटेंगे कार्यकर्ताओं के। आम आदमी पार्टी में चूंकि भी आवाज नहीं आई, 2200 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई, 2200 के 2200 कार्यकर्ता मजबूती से अपना काम कर रहे हैं, जमीन पे पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। सर पंजाब में सर्वे करवाया था आपने, चीफ मिनिस्टर चुनाव तो आने दीजिए। आज के दिन में माहौल ऐसा बन गया, आम आदमी पार्टी का डर ऐसा है कि कांग्रेस भी बीजेपी भी सारे ऐसे कार्यक्रम करने के लिए सड़क पे उतर गए हैं। अभी तक तो हमने भी इतने शुरू नहीं किए जितने डर के मारे इन्होंने शुरू कर दिए। इन्होंने कार्यक्रम ऐसे शुरू कर दिए कि आपको भी लगने लगा है कि चुनाव आ गया। चुनाव आने में अभी 1.5 साल बचा है, इंतजार कीजिए सही समय पे सही फैसला। इसमें तो हमारे बताने की कोई जरूरत ही नहीं, आपको भी पता है कि कैसे सरकारें बनाती है भारतीय जनता पार्टी। कमजोर होने से मतलब लोकतांत्रिक तरीके से कमजोर है, लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी का विश्वास खत्म हो रहा है। आजकल मैं देखता हूं कि पत्रकार जब बीजेपी के बारे में सवाल पूछते हैं तो कहते हैं जी बीजेपी कह रही है विदेश में हमारा डंका बज रहा है इसलिए 24 में सरकार आएगी, तो विपक्ष में विदेश में डंका बज रहा है तो जाके लड़ लें मोदी जी विदेश में चुनाव। इंडिया में नहीं कुछ भी डंका बज रहा, इंडिया में लोग त्रस्त हैं। हरियाणा में तो लोग, मैं सभाओं में पूछता हूं हजारों लोगों की सभाओं में, मैं कहा भाई किसी में छाती जिगरा इतना रह रहा हो कि दोबारा टेस्ट करना चाहता हो बीजेपी को तो हाथ उठा के बता दो, हजारों लोगों की सभाओं में भी। और ऐसा नहीं कि वो आम आदमी पार्टी की सभा होती है, पॉलिटिकल रैली होती है, वो बड़े बड़े लीडर्स आपको भी पता है पुराने राजनेताओं की, जो भ्रष्ट राजनेता है आपका किसने ज्वाइन करी है, कौन उप मुख्यमंत्री बना है, वही उप मुख्यमंत्री बने जिनके बारे में बीजेपी के वहां के पूर्व मुख्यमंत्री और आज के उप मुख्यमंत्री बयान देते थे दादाजी पवार चक्की पी सिंह पिसवा लेना चक्की, बिठा ले बीजेपी में चक्की लगा दे फराटा भी पिस जाएगा, पिसवा लो चक्की उससे। आज चक्की नहीं पिसवाई, इन्होंने एक वॉशिंग मशीन लगा रखी है जिसमें ये भ्रष्ट लोगों को लाते हैं। और भ्रष्ट लोग क्यों दबते हैं, इनसे क्यों डरते हैं, यही आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी है कि हमारे यहाँ पे भ्रष्ट लोग नहीं है, इनसे डरते नहीं है, इनसे दबते नहीं है। कांग्रेस पार्टी हो या पुरानी कोई भी पार्टियां हो, उन्होंने अपने समय में खूब भ्रष्टाचार किया है इसलिए उनके नेताओं की फाइलें पड़ी है इनके पास, उनको डराते हैं दबाते हैं और उनको अपने साथ जोड़ लेते हैं, पैसे का लालच देके अपने साथ जोड़ लेते हैं। इसीलिए पूरे देश में अब ये चर्चा बहुत जोर शोर से है कि अगर कोई विकल्प है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिसको ना भारतीय जनता पार्टी तोड़ सकती ना खरीद सकती तो वो आम आदमी पार्टी है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की ताकत हर प्रदेश में, आज के दिन में हम राजस्थान में रैली करते हैं तो लाखों लोगों की रैली करते हैं, मध्य प्रदेश में रैली करते हैं तो लाखों लोगों की रैली करते हैं, छत्तीसगढ़ में लाखों लोग अरविंद केजरीवाल जी को सुनने के लिए आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि एक नेशनल ऑल्टरनेटिव, एक राष्ट्रीय विकल्प बन के आम आदमी पार्टी बन गई। चार जगहों पे डेमोन्स्ट्रेशन हाल ही में किया था सीईटी को लेकर के, इसका एक डिटेल प्लान, जैसे पहले हमने प्लान जारी किया था पूरे प्रोटेस्ट का हरियाणा भर में, अभी हम स्टूडेंट्स के साथ भी टच में हैं। जब हमने प्रदर्शन किया तो हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स ने आम आदमी पार्टी के ऑफिस बेयरर्स को, आम आदमी पार्टी को अप्रोच किया है। उनका कहना है कि वो कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, हम उन सबका स्वागत करते हैं, उनके सुझाव के बेसिस पर जैसा वो चाहते हैं उस तरीके का प्रदर्शन का एक पूरा कार्यक्रम, स्टेट वाइड कार्यक्रम हम बहुत जल्द जारी करते हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप कल शपथ में आइए और देखिए कि कहां से आते हैं, उनके नाम एड्रेस उनका इतिहास, सर्कल लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, गांव में भी बता रहे हैं। बिल्कुल, हम अभी ब्लॉक स्तर पर पहुंचे हैं, अभी तक के कार्यकर्ताओं की पहले भी शपथ की थी इसलिए हम सामने बुला के शपथ करते हैं, उनको उनकी किट दी जाती है जिसको लेकर के वो अपने इलाके में जाकर के आगे का नेटवर्क बनाते हैं, आगे कार्यकर्ताओं को तैयार करते हैं। जमीन पे आम आदमी पार्टी, कोई ऐसा गांव आज के दिन हरियाणा में नहीं है
जहां आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता मौजूद नहीं है, जहां आम आदमी पार्टी का वोटर नहीं है। हमको सिर्फ उनको कनेक्ट करना है, हमको सिर्फ हर घर तक पहुंचना है, और वो काम हमारा जो ये संगठन बन रहा है, ये जो चेन बन रही है, वो काम ये करते हैं। जब हमने जिला स्तर का संगठन बनाया तो उन्होंने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर चारों ब्लॉक के अंदर जो अच्छे कार्यकर्ता, जो मेहनतकश कार्यकर्ता, उनको ब्लॉक स्तर पे ढूंढ के निकाला, उनको जिम्मेदारी दी गई। अब ये जो ब्लॉक स्तर पे नियुक्तियां हुई हैं, इनके सहयोग से जो सर्कल लेवल पर जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं, उनको पदभार दिया जाएगा, उनको जिम्मेदारियां दी जाएगी सर्कल स्तर की, और उसके बाद वो सर्कल स्तर के पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वो गांव गांव में जाके हमारी विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति को ढूंढ के, जो एक्टिव कार्यकर्ता उनमें से मजबूत कार्यकर्ता है, उनको ग्राम समितियों के अंदर लेकर के आए। जब एक बार ग्राम समिति तक का संगठन बन जाएगा तो फिर इनकी अफवाहों के लिए कोई जगह नहीं रहती दूसरी पार्टियों की, जो ये चुनाव के समय अफवाहें फैलाने का काम करते हैं, जातवाद फैलाने का काम करते हैं, कोई लड़ाई झगड़े समझाने का काम करते हैं गांव गांव में, वो सारा नेटवर्क इनका टूट जाता है जब एक बार हमारी चेन एस्टेब्लिश हो जाती है ग्राम स्तर तक। ये हमने अपने दूसरे राज्यों में जो चुनाव लड़े उनके अनुभवों से जाना है, उसके आधार पे हम यहां पर भी एक मजबूत संगठन बना देंगे। लगभग 10,000 पदाधिकारी हमारे इस संगठन के अंदर होंगे, और जब ये ग्राम स्तर की समितियां बन जाएंगी तो करीब करीब 70,000 से 75,000 के आसपास जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो सीधे तौर पे पार्टी के कार्यक्रमों से जुड़े होंगे, पार्टी के नियम, पार्टी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और पार्टी की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। अनुदान लेकर सीएम ने कहा था कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में योजना जो है आदमी के चुनाव में देखने को मिलता, लेकिन कोई आम आदमी पार्टी का हरियाणा। देखिए, मैंने बार बार ये कहा कि अगर हमारा जनाधार नहीं है तो फिर इनको बार बार हर रैली में आम आदमी पार्टी क्यों करना पड़ता है। आपके स्टेटमेंट के बारे में आप मैं वो अपनी रैलियों में भी बोलते हैं, अगर हमारे आम आदमी पार्टी के विचारधारा में इतनी दम नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, तो यही भूपेंद्र हुड्डा जी जो 8 साल पहले तक मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, 3650 दिन मुख्यमंत्री रहे, तब साइन करके 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं की गई इनसे, आज क्यों कहते फिर रहे हैं हर रैली में हर जगह पे कि 300 यूनिट बिजली फ्री दे दूंगा। सारे हरियाणा को, सारे देश को पता है कौन देता है 300 यूनिट बिजली फ्री। ये दे सकते तो दे देते, हिमाचल में दे देते, राजस्थान में दे देते, कर्नाटक में झूठा वादा किया था, वहां पौने 3 रुपए यूनिट बिजली का प्राइस बढ़ा दिया इन्होंने। अब आपने बात छेड़ दी है तो मैं हुड्डा साहब का दर्द बता देता हूं आपके सामने। मुझे इनके किसी क्लोज आदमी ने बताया, हुड्डा साहब किसी को, एक व्यक्ति को अपनी शेव बनाने के लिए बुलाते हैं, कोई खास आदमी उनका, तो पिछले कुछ समय से ये लगातार चर्चा चल रहा है कि वो जाए इनकी दाढ़ी बनाने के लिए, और जब दाढ़ी बना रहा होता है तो चर्चा छेड़ देता है आम आदमी पार्टी, तो जी नीचे बड़ी चर्चा होती है आम आदमी पार्टी में। हुड्डा साहब उसको बोले, भाई मेरे सामने फालतू बात ना किया कर, मैं कांग्रेस का नेता हूं। चलो जी, चुप हो गया। अगली बार दाढ़ी बनाने गया, फिर कह दिया जी आम आदमी पार्टी, हुड्डा साहब कुछ भी कहो, नीचे नीचे गांव शहर में बड़ी चर्चा चल रही है आम आदमी पार्टी। हुड्डा साहब बोले, अब तेरा दिमाग खराब है, तू क्यों बार बार ये बात करता है, आम आदमी पार्टी की चर्चा मेरे सामने क्यों करता है, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं। वो बोला, जी माफ करो मेरा तो, मैं आम आदमी पार्टी का जिक्र करता हूं आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दाढ़ी बनाना आसान हो जाता है, रखना आसान हो जाता है, तो इनके तो आम आदमी पार्टी से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये विचलित है, परेशान है। किलोई में पहले भी 6-6 दिन के कार्यक्रम बनाए हुड्डा साहब ने, अब क्यों 6-6 दिन के लिए वहां पे घूम रहे हैं, ये रोहतक सोनीपत छूट क्यों नहीं रहा भूपेंद्र हुड्डा जी से, यही क्यों चक्कर लग रहे हैं आजकल। कल भी गया था कबूलपुर गांव में, इनका गढ़ होता था कबूलपुर गांव, लोगों ने झंडे उतार दिए कांग्रेस पार्टी के, कल आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया बड़ी संख्या में लोगों ने, इनके आसपास चलने वाले लोग भी नजर नहीं आएंगे, चुनाव नजदीक आने दीजिए, तब हुड्डा साहब को बताएंगे कि आम आदमी पार्टी की और आम आदमी की ताकत क्या है। इन लोगों को अहंकार हो गया इसी कमरों में बैठ के जात पात की राजनीति करके, इन लोगों को अहंकार हो गया कि ये बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन नीचे अगर देखेंगे जमीन खिसक चुकी है, संभलना चाहिए इन लोगों को। लोगों के लिए जब मौका मिला काम नहीं किया, 8 साल तक इसी कमरों में बैठे रहे विपक्ष के नाम पे, आज जब चुनाव आया है तो अपने घरों से बाहर निकल के आम आदमी पार्टी के लिए, जिसके पूरे मैनिफेस्टो की नकल करते हैं ये,
300 यूनिट बिजली दे देंगे, महिलाओं को सम्मान राशि दे देंगे, बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, कहां से चुराए ये मुद्दे? पहले क्यों नहीं थे? कांग्रेस पार्टी के पास 75 साल पुरानी पार्टी है, 10 साल पुरानी पार्टी की नकल करनी पड़ रही है। लेकिन हुड्डा साहब को ये याद रखना चाहिए कि जो असल कॉपी की कीमत होती है कार्बन कॉपी की नहीं होती। लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री लेना है तो असली से लेंगे ना, कार्बन कॉपी से क्यों लेंगे? एक तरफ तो आप गठबंधन कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, एक तरफ आप चुटकी ले रहे हैं कांग्रेस। कौन गठबंधन कर रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ? आप लोग जा रहे हैं मंच पर, किसने कहा, कौन से मंच पे गए? आप मुझे मंच का नाम बताइए जिसपे आम आदमी पार्टी गई। हमने सिर्फ एक मंच जिसके ऊपर समान विचारधारा लोकतंत्र को बचाने की बात हो रही थी, हमने सिर्फ ये कहा कि लोकतंत्र बचाने की पहली सीढ़ी दिल्ली के अंदर जो कुछ अध्यादेश लाकर के भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लोकतंत्र का दमन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के वन साइडेड डिसीजन को ओवर रूल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कांग्रेस पार्टी को यह कहा कि बाकी सारी विपक्षी पार्टियों ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि वो राज्यसभा में अध्यादेश का विरोध करेंगे। कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर यह बताए कि वो लोकतंत्र बचाने के लिए अध्यादेश का विरोध करेगी या पीछे के रास्ते से भारतीय जनता पार्टी के साथ, जैसे हुड्डा साहब कहते हैं अमित शाह जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मोदी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मोदी जी इनके मित्र हो गए, अमित शाह जी इनके मित्र हो गए, देश की जनता हरियाणा की जनता दीवार में सिर फोड़ ले अपना, तो इनकी जो मित्रता चल रही है उसके बारे में अपना रुख स्पष्ट करें। ऐसा नहीं हो सकता कि गलबैया भारतीय जनता पार्टी के साथ और गठबंधन विपक्षी पार्टियों के साथ, ये नहीं चलेगा। आप कह रहे हैं कि झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, कांग्रेस के साथ चलने वाला नहीं मिलेगा, वो कह रहे हैं 2024 सरकार बनाना चाह रहे हैं। पिछले दो चुनाव में भी हुड्डा साहब यही बात तो बोलते थे, कोई नई बात है क्या इनके पास? पिछले दोनों चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा जी के बयान निकाल के देख लो, कहते सरकार बनाएंगे, नहीं बनी। राज्यसभा चुनाव आता है कहते अपना सांसद बनाएंगे, नहीं बनते, बीजेपी के बना देते इनके विधायक मिलके, जिनसे अपने विधायक संभल नहीं रहे, जिनसे अपने पार्टी के नेता संभल नहीं रहे, पिछली मीटिंग में जूते चप्पल चल रहे थे इन लोगों के, बाहर नहीं आने देते, बाहर तो ये बताते नहीं जी तू तू मैं हो गई थी, थोड़ी बहस हो गई थी, अंदर वाले लोगों ने बताया फोन कर करके, क्या भाई साहब जूते निकल गए थे, हाथ में पकड़ रखे थे लोगों ने, थप्पड़ मारे एक दूसरे को। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी अच्छे लोग हैं और समय आने पे सही जगह पे भी आएंगे, और आज के दिन में भी उनको ये सब मारपीट अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जो अच्छे लोग राजनीति में आए वो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, तो उनको साफ तौर पर यह लगता है कि यार ये क्या कर रहे हैं हमारी पार्टी में बैठ के। कांग्रेस में भी बहुत से ऐसे परेशान लोग हैं, जेजेपी में भी बहुत से ऐसे परेशान लोग हैं, जेजेपी में तो जिनके मन में परेशानी थी उन्होंने बाहर निकलना शुरू कर दिया। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की तो मैंने ये कहा था कि बहुत जल्दी छोड़ छोड़ के भागेंगे ये जेजेपी इनेलो कांग्रेस के लोग, वो शुरुआत हो गई है, लेकिन ये शुरुआत बहुत छोटी है जो आपने जुलाना में तस्वीर देखी, ये आगे चल के बहुत बड़ा विस्तार इसमें होने वाला है। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इतना असंतोष है, बड़े बड़े नेताओं में असंतोष है, आप तो छोटे नेताओं क्या बात कर रहे हो, छोटे कार्यकर्ता की क्या बात कर रहे हो, बड़े बड़े नेता तैयार बैठे हैं। हुड्डा साहब ने थोड़ी सी भी हुंकार भरी कि मैं ही हूं तो सारे बड़े नेता ये कहने के लिए तैयार बैठे हैं कि तुम कुछ नहीं हो, अपनी पार्टी कुछ संभालो, हम चलते।